478 के बारे में बात करेंगे। 478 में ज़रूरत पड़ा था इसीलिए 2008-09 साल में देखा गया था, बहुत सारे शेयर रिपोर्ट कर रहा था उसका ट्रैक्शन मोटर में गियर केस का जो ऑयल है वो घुस जाता था, उसके वजह से बेयरिंग सीज होता था। उसका कारण सब इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चला है, जो लैब्रिक के अंदर बीच में जो गैप है, रीव है जो लैब्रिक के अंदर बीच में, ऐसे लैब्रिक के अंदर जो रीव पोर्शन है, ये सब रीव पोर्शन में मूविंग और नॉन मूविंग जो लैब्रिक्स है ये दोनों के अंदर जो गैप है ये ज़्यादा था एज पर MS-439 के हिसाब से। उसको फिर बातिल करके फिर 478 को मॉडिफिकेशन शीट के तौर पे चालू किया गया है RDSM द्वारा। दोनों को कैसे समझेंगे, कैसे पता चलेगा जो दोनों मॉडिफाइड है या नहीं है, तो उसके उदाहरण स्वरूप हम लोग टी साइड का 4 सेट लिया है। ऐसे 3-phase मोटर में लैब्रिंथ लगता है 8, वो 8 लैब्रिंथ के अंदर हम लोग 4 लैब्रिंथ लेके आज बात करेंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो सबके चेकिंग एक ही जैसा है, तो बताने से आप लोगों को पता चल जाएगा कैसे चेकिंग करना है, मॉडिफाइड है या अनमॉडिफाइड है, हम लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों आप देखते हैं, इधर डी साइड का ये 2 लिया है, एक इनर बेयरिंग कवर और एक इनर बेयरिंग स्टॉपर ये लिया है, ये है मॉडिफाइड है एज पर लेटेस्ट मॉडिफिकेशन 478 के हिसाब से बनाया हुआ है। और ये सेम चीज़ 2 लिया है, ये पुराना 439 के हिसाब से बना हुआ है। ये 439 के हिसाब से जो बना हुआ है इसमें क्लियरेंस ज़्यादा है, कितना है हम बताते हैं। सेम आउटर बेयरिंग कवर और आउटर बेयरिंग स्टॉपर लिया है, तो ये है मॉडिफाइड, ये अनमॉडिफाइड वाला है, ये है एज पर MS-439 की सबसे बना हुआ है। और ये जो है ये सेम ही चीज़ है लेकिन ये मॉडिफिकेशन शीट 478 की सबसे बना हुआ है। तो अभी हम लोग पहले ड्राइंग देख लेंगे, ड्राइंग देखने के बाद फिर इसमें आएंगे जो क्या अंतर है। जैसे हम लोग बताया था ड्राइंग में, हम लोग अगर देखना है ये आउटर बेयरिंग कवर का लैब्रिंथ और आउटर बेयरिंग स्टॉपर का ड्राइंग हम निकाला है, तो इसमें दोनों के अंदर अंतर क्या है हम आप देख सकते हैं। इसका ड्राइंग नंबर ये है ऑल्टरेशन 6 का है, जो एज पर दोनों एज पर 478 हिसाब से ड्राइंग है। तो ये आउटर बेयरिंग आउटर लैब्रिंथ है और ये डी साइड का आउटर बेयरिंग स्टॉपर है। तो हम कोई एक डायमेंशन ले लेते हैं, जैसे ये वाला डायमेंशन ले लेते हैं 221, ये वाला डायमेंशन पहले ओरिजिनल ड्राइंग में 221 था, बाद में इसको 220.5 कर दिया गया था, उसके बाद फिर से एज पर 478 इसको डायमेंशन फिर 221 में लेके आया है, ये आप देख सकते हैं। ठीक ये रीब जहाँ पे लगता है उधर का आउटर बेयरिंग लैब्रिंथ में उसका डायमेंशन देख लेते हैं, ये है उसका डायमेंशन जो पहले एकदम ABB का ड्राइंग के हिसाब से था 221.5। तो पहले 221.5 था, उसके बाद इसको बनाया गया था बढ़ा के 222 कर दिया गया था। अभी इसका और इसके अंदर डिफरेंस जो है क्या कितना है, ये 222 है और ये 220.5, मतलब इसका अंदर डिफरेंस हो गया 1.5 mm। तो जो हम लोग मेज़र कर रहा था लगभग 1.5 mm, हम लोगों को पुराना ड्राइंग का हिसाब से जो सामान है लैब्रिंथ है उसका बीच में गैप जो है 1.5 के आसपास हम लोग देखा है। तो उसके बाद फिर से उसको घटा के पहला जैसे ड्राइंग 221 कर दिया गया है, तो 200 अगर नया दोनों का
नया ड्राइंग के हिसाब से उसका डिफरेंस हो गया है, ये 221 है और ये 221.5 है। तो ये दोनों के अंदर अगर डिफरेंस देखा गया तो देखा गया है 0.5 है इसका डिफरेंस, जो एज पर नया ड्राइंग है। तो हम लोग नया ड्राइंग में भी, नया मटेरियल में भी देखा है इसका डायमेट्रिकली क्लियरेंस 0.5 के आसपास है। जैसे एक में 0.5 घुस गया था और एक में 0.45 mm फिलर गेज घुसा था। तो ये दोनों का अंदर अंतर है। तो ऐसे ही एनडी साइड में भी सेम ड्राइंग के अंदर सेम टाइप का चेंजेस किया गया है। पहले एबीबी का ड्राइंग था, बाद में अल्टरनेशन करके बढ़ाया गया था, फिर घटा के एबीबी का ड्राइंग जैसे ही किया गया है। दोनों के अंदर यही अंतर है। अभी 1.2 लिया है, ये भी इधर घुस जा रहा है। इसके बाद अब ये 1.55 है, 1.55 ये भी घुस गया है। तो लगभग इसका जो डायमेट्रिकली जो क्लियरेंस है ये 1.55 है। ये पुराना जो लैब्रिंथ है उसमें है। अभी हम उसका मॉडिफाइड नया एमएस के हिसाब से जो लैब्रिंथ है लेटेस्ट, इसमें हम देखेंगे 0.5 से ज़्यादा नहीं होगा। हम एक 0.5 का स्ट्रिप ले लेते हैं, ये है 0.5 का स्ट्रिप, आप देख सकते हैं ये 0.5 का स्ट्रिप है। ये 0.5 इधर बहुत टाइट गया है, एक तरफ अगर खींच लिया है अभी तो ये 0.5 टाइट गया है और उससे ज़्यादा इसमें जा ही नहीं रहा है। जैसे पुराना में हम एक डाल दिया था, इधर 0.7 हम डाल के देख लेते हैं, ये 0.7 है, ये डाल के देख लेते हैं, ये जा ही नहीं रहे। तो मतलब ये जो इसका जो डायमेट्रिकली क्लियरेंस है ये दोनों के अंदर डिफरेंस में इसका कम है, इसका ज़्यादा है। इसके कारण जो गियर केस का जो ऑयल है ये अंदर घुसेगा नहीं या निकलेगा नहीं। प्लीज सेम ये डी साइड का जो आउटर बेयरिंग लैब्रिंथ है, आउटर बेयरिंग कवर और आउटर बेयरिंग स्टॉपर, ये जो दो है इसके अंदर भी क्लियरेंस पुराना जो है ओल्ड एमएस में जो है 439 उसमें ज़्यादा था, वो भी हम लोग देख लेते हैं। एक 1 mm का स्टिप लिया है, साथ में एक 0.5 का भी लिया है, ये दो लिया है, आप देख सकते हैं। ये दो को लेके इधर हम एक तरफ करके इसको डाल दिया, देखिए आराम से चला गया है। मतलब ये मिनिमम 1.5 गैप है इसमें। ये पुराना ड्राइंग था, इस साइड में ही हमारा गियर केस का जो ऑयल है इस साइड में ही रहता है और वो इतना ज़्यादा गैप होने के कारण इसके अंदर से ट्रैक्शन मोटर का बेयरिंग के अंदर चला जाता था। अभी ये है NS478 के हिसाब से बना हुआ लैब्रिंथ, एक ही सामान है। इसके अंदर जो गैप है हम खींच लेते हैं पहले, उसके बाद 0.5 इसमें डाल के देखते हैं। सिर्फ एक ही स्ट्रिप डाल रहा हूँ, 0.5 है ये, देखिए ये 0.5 बहुत टाइट जाएगा या नहीं तो जाएगा नहीं। हाँ थोड़ा सा ही गया है, टाइट हो गया है, जो कि हम लोग ड्राइंग में देखा है इसका गैप 0.5 होना चाहिए मिनिमम, मैक्सिमम 0.5 होना चाहिए। हम 0.5 से थोड़ा 0.45 डाल रहा हूँ, देखते हैं 0.45, हाँ 0.45 घुस गया है। तो 0.45 घुस जाने से तो इसका मतलब है इसका टॉलरेंस एज पर 478 हिसाब से है बना हुआ है, तो इसमें गैप कम होने के कारण
जो गियर किसका जो ऑयल है वो ट्रैक्शन मोटर का बेयरिंग के अंदर जाने का चांस कम है।